हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ये मैच जीता, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था खासकर वुमेंस के लिए कि ये टूर्नामेंट कराया, जिसमें बहुत सारी टीमें, ऑलमोस्ट कश्मीर की सब टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। एट द एंड हमने फाइनल जीता, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यही था कि एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए रणजी प्लेयर के मैं जितना एक्सपीरियंस अपना यूथ के साथ शेयर करूँ उतना बेहतर हो सके, क्योंकि हमारा यही रहता है कि यूथ जितना आगे बढ़े स्पोर्ट्स में, बाकी चीज़ों से दूर रहे। तो बस यही था मेरा कि अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करो और इनको भी कुछ सीखने को मिले। रहेगा कि जितना हार्डवर्क करते जाओगे उसका फल आपको मिलेगा। बस हार्डवर्क करते जाओ, मेहनत करते जाओ, बस यही है मेरी मैसेज। कैसे देख रहे हैं आप जस्टर बारामूला? बस यही है कि वो जितना इसको जितने ये प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं उतने देने की कोशिश करेंगे हम। आज मैं यह चाहती हूँ कि वो जल्द से, मतलब जितनी जल्दी हो सके, वो जेकेसी रिप्रेजेंट करें। बहुत टैलेंटेड लड़की है, तो बस और कुछ नहीं, उसके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। करते हैं प्रैक्टिस, कॉलेज में भी होती है, घर में भी, क्लब में भी होती है प्रैक्टिस। डिस्ट्रिक्ट बारामूला क्लब में, क्लब की बहुत ज़्यादा ये कोशिश होती है प्लेयर्स को प्रैक्टिस देने की और हमें सिखाने की। तो कैसा देखते हैं आप अपना फ्यूचर? सर मैं चाहती हूँ मुझे भी जेकेसी में एक मौका मिल जाए, ताकि मैं भी अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट करूँ, कश्मीर जे एंड के लिए भी खेलूँ। बाकी जो आपके साथ कम से आप खुद सीखते सर? क्लब से, अपने कैप्टन से और अपने कोच से। सर मैं पहले ही, मतलब पावर प्ले की ओर में ही इनको स्कोर अच्छा करके देती हूँ, ताकि ये टीम डिप्रेस में ना जाए, टीम अच्छा करे। इसका ये बूस्ट होता है, आपको पता होगा कि हमारे रफियाबाद इलाके में जो आज का इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय 32 आरआर यूनिट इन कोलैबोरेशन विद वी केयर। उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें काफ़ी टीमों ने खेला और काफ़ी अच्छा खेला, बच्चियों ने काफ़ी अच्छा खेला। आज का जो मैच था वो बड़गाम और बारामूला के बीच में था, तो जिसमें विनर टीम जो है बारामूला रही। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, यहाँ पे पूरा रंगी बाजा बैठा था, पूरी जो कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी देख रही थी। बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट था और बहुत ही अच्छा मैच था। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर आज इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज़ किया, इससे पहले भी इन्होंने मैच यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया कि जैसे कि वॉलीबॉल का, इसके आगे भी देखेंगे कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए, ये हम नहीं कहेंगे कि स्पेशली फॉर द गर्ल्स, बॉयज़ के लिए भी जो है खेलों का यहाँ पे हम कहेंगे कि मेले के वो भी यहाँ पे खेले, ताकि इनको जो है हमारे बच्चों को बूस्ट मिलता है, इनको एनर्जी मिलती है। और क्या होता है कि हमारा जो बच्चा है आजकल का, इन स्पेशली वेल टॉक अबाउट आवर कंट्री, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे बच्चे, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स हमारे बच्चे जो है घर में थे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ आर्टिकल, तो काफ़ी देर के बाद वो बाहर आए। जो बच्चा 6th क्लास में पढ़ता था, आज वो अचानक से आ गया है 9th 10th में बच्चा, तो उनको भी बूस्ट मिलता है। जो कुछ उन्होंने नहीं देखा है, आज वो जब प्लेग्राउंड्स में आते हैं, प्लेग्राउंड्स में वो देखते हैं कि कितना खूबसूरत सा समा, कितना खूबसूरत सा इवेंट, और कितने ज़्यादा लोग उनको देखते हैं। जब देखते हैं कि लोग हमें देखते हैं, लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं, उससे वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है। जैसे कि आपने आज देखा, आज हमारे टूर्नामेंट का जो नॉर्थ कश्मीर का, हमने आज वुमेन्स प्रीमियर लीग किया था, उसका आज फाइनल डे था यहाँ पे, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि हमारी लड़कियों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो, हमारी लड़कियों का टैलेंट आगे आए। तो हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि हम अपनी लड़कियों के लिए जो उनमें टैलेंट है उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। और इसका मकसद ये भी था, हमें इसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे जो मतलब गिने चुने से प्लेयर्स होंगे, उनको हमें आगे नेशनल्स के लिए, इंशाल्लाह हमारा जो 32 आरआर है, आरआर वाले हैं, वो उनको आगे लेके ये नेशनल्स में स्पॉन्सर करेंगे, उनको अपने दम पे आगे लेके जाएंगे।